खबर कोरिया जिले से है, जहां बैकुंठपुर वन मंडल के टीमरी गांव और उसके आसपास के गांवों में लोग एक सप्ताह से बाघ के खौफ से सहमे हुए हैं। आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले पांडवपारा SECL क्षेत्र से लगे ग्रामीण क्षेत्र में बाघ की चहलकदमी देखी गई थी, जहां बाघ ने 2 मवेशियों का शिकार किया था। इस बीच वन विभाग ने क्षेत्रवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी थी। शनिवार को नानभान के एक जंगल में बाघ द्वारा एक और मवेशी का शिकार करने का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में फिर से डर बैठ गया है। जब इस संबंध में स्थानीय निवासियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि डर अभी भी बना हुआ है और वन विभाग ने मुनादी करा दी है। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। अब जो ये अभी पिछले कुछ दिनों से बाघ का विचरण चल रहा है, तो जैसे आप लोग आते जाते हैं जंगल से, तो किस तरह की दहशत है यहाँ पे, उस जानकारी हम लोग को इधर आना नहीं रहता है, वही मैगजीन वाले गाड़ी के साथ में आते हैं। जानकारी मिली इधर की बाघ का विचरण हो रहा है इस इलाके में, जो जंगल विभाग वाले किए थे अलाउंस विचरण है, ये अधिकारी रुक दिए हैं सर, ये सावधानी रखिएगा। और जो नाइट में ड्यूटी करते हैं, हम लोग को भी बोले हैं कि अपना सुरक्षा पहले बना के रखिएगा। नहीं हो रहा है, मतलब रात में इधर रवे नहीं करते, दिन में अपने लोग काम करते हैं, और जंगल में यहाँ पता चला कि आया था बाघ, और पंडोपारा में मतलब देखा गया था, और जंगल में इधर जमती पानी जो है अपने वहाँ मतलब भैंस ले गए थे, उन लोग को मतलब पकड़े थे। तो नहीं, ऐसा लगता है बहुत शिकार किया होगा, क्योंकि तो ऐसे हमारा पशु भी यहाँ गाँव का पहुँच दिया गया, और सबसे पहले यहाँ जमती पानी है, ग्राम पंचायत के बगल जंगल है, वहीं से उसके पंजे का निशान पहले देखा गया था, और इसके बाद अब जो ये अभी पिछले कुछ दिनों से